वेलकम टू गुडफुल चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो। क्या है अफर्मेशन? ऐसे वाक्य हैं जो यदि लगातार दोहराए जाए तो वे हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे काम पर उसी तरह का असर होता है और अंततः हम वही बन जाते हैं। अफर्मेशन हमारे चेतन और अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी ने आपको कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो कहीं न कहीं आपके मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा टैलेंटेड समझने लग जाएंगे। और यदि कई और लोग भी आपको यही कहें, तो वो बातें आपके अंदर और दृढ़ता से बैठ जाएंगी और आप खुद को बहुत टैलेंटेड समझने लग जाएंगे। और लगातार ऐसा होते रहने से आप सच में पहले से बहुत टैलेंटेड महसूस करेंगे और आपका टैलेंट हर काम में झलकेगा। आपके सारे एक्शन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आप पहले से बहुत बेहतर टैलेंटेड कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। दरअसल हमारे दिमाग ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारे दिमाग का 10% हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन 90% हिस्सा होता है। हमारा चेतन मन सही गलत में फर्क जानता है, लेकिन अवचेतन मन सही गलत में कोई अंतर नहीं जानता। आप उसमें जो भी बातें जाने देंगे वह उसी को सच मानने लग जाएगा। जैसे आप लगातार कहेंगे कि मैं आलसी हूँ, तो आप धीरे धीरे आलसी बन जाएंगे। या यदि आप कई दिनों तक लगातार कहेंगे मैं बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव हूँ, तो आप कुछ दिनों बाद वैसे ही बनने लग जाएंगे। हमारे अवचेतन मन की शक्ति से ही कोई भी आदत बनती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। लेकिन केवल बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे महसूस करना भी जरूरी है। खुद को उस स्थिति में रखना जरूरी है। जैसे आप सोचते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, तो आप इसे पूरे दिल से महसूस करें, जैसे आप अभी अमीर हैं। अमीरों जैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आपने जरूरतमंदों के लिए कई स्कूल और हॉस्पिटल खोल रखे हैं। आपको सुनने के लिए लाखों लोग खड़े हैं। ज्ञानी पुरुष के अनुसार अगर आप एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो वास्तविकता में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग में खुद को वहां पहुंचते हुए देखना होगा। इस तरह आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे ये बात बैठ जाएगी कि आप। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई आपको लगातार नकारात्मक बातें कहे कि तुम में कोई टैलेंट नहीं, मुझ में कोई खास बात नहीं, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप धीरे धीरे वैसी ही बन जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी की सकारात्मक या नकारात्मक बातें आप पर तभी असर करेगी जब आप उन बातों को महत्व देंगे और उन्हें अपने अंदर असर करने देंगे। ये है ताकत अफर्मेशन की। कोई वाक्य जो हमसे लगातार कहे जाते हैं, चाहे कोई और व्यक्ति हमें कहे या हम खुद के लिए कहें, यदि हम उन बातों को स्वीकार करते हैं, अपने अंदर जाने देते हैं और उन बातों पर भरोसा करते हैं, तो यकीनन हम वैसे ही बन जाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। इसीलिए कहते हैं हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई लोग हमारे लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान न देकर खुद को उनके नकारात्मक अफर्मेशन से बचा सकते हैं। यदि हम उन पर ध्यान न दे, तो उनकी उन बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः दूसरे लोगों के नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दे। दूसरों की बातों से ज्यादा सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को अकेले में क्या बोलते हैं, खुद के लिए हमारे विचार क्या है, क्या हम खुद के लिए सकारात्मक बातें कहते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सफल हूँ, या हम नकारात्मक बातें बोलते हैं, मुझ में कोई खास बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मैं बहुत परेशान और तनाव में हूँ। जो भी हम खुद के लिए कहते हैं, हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।